because I wanted ma'am, it was easiest. मतलब boost the morale of the student. I just wanted to boost the morale of the student. That is why I created the most easy paper. But still students had problem, तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. यानी एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं थी. दैट वॉज लाइक बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमको कैसे आंसर लिखना है. Yes, ma'am. शायद ये next time नहीं होगा, अभी एक बार सबसे मिस्टेक हो गई इसलिए. Exactly. और I was happy to see a variation of result. That some students got 20, some students got you can say 5, some students got 0, some students got 15. That means ki there was a you can say ki bhai kuch logon ko jisko samajh mein aaya, maine wo excel sheet aap logon ke sath mein share ki hai. So you can see that excel sheet and you can find out ki this is how you have to write and every time answer will be like this only. Aapko pata hai aap hum log quartile deviation find karte hai, coefficient of quartile deviation. But I asked only for quartile coefficient of quartile deviation. Reason, अगर मैं दो आंसर भी रखती हूँ तो students Google get this confused. बच्चे भी confused हो जाएंगे, students भी confused हो जाएंगे. All of you keep your cameras on. Kinchit, Janish, Shivansh, Kati, सब लोग कैमरा ऑन रखिए. हाँ, तो उससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं. इसीलिए मैंने क्या किया था कि एक ही आंसर, ओनली वन आंसर, फाइनल आंसर. सपोज क्वार्टाइल डेविएशन नहीं देना है आपको, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करके देना था. तो दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. ठीक है, अब स्टूडेंट्स को दे हैड प्रॉब्लम विद यू कैन से सॉरी, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है. एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द मॉर्निंग वाज मेरा गूगल जो ये सॉरी जूम ऐप जो था, इट वेंट ऑन अपलोड मॉर्निंग में. चलो वो तो ठीक है, मैंने सुबह 6:30-7 बजे कंप्यूटर ऑन कर दिया था, वो उसने अपडेट तो कर दिया, बट देन इट वाज नॉट एक्सेप्टिंग माय कमांड्स. वो मेरी कमांड्स ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. फिर उसके साथ में थोड़ा चेंजेस करके एंड नाउ इट इज एक्सेप्टिंग ऑल माय कमांड्स. सो लेट अस स्टार्ट विद योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द टेस्ट. लेट मी जस्ट चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है. यस, इट इज रिकॉर्डिंग. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 था. लेट मी फाइंड आउट योर क्वेश्चन नंबर 1. टाइपोग्राफिकल एरर वाला क्वेश्चन था. यस और नो? सो इन दैट इट वाज x इज इक्वल टू, इट वाज गिवन एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब इसमें गलती किसने की होगी, गलती कहां पर हो गई होगी? ये दिया था 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो हमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको यू कैन से यू हैव टू कन्वर्ट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो किसी बच्चे ने अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं किया होगा तो उसका आंसर माइनस में आया होगा, -0.25. एंड दैट इज हाउ, यानी उसका Q3 इज इक्वल टू Q1, और Q1 जो था वो उसका Q3 बन गया होगा, इसीलिए उन लोगों की वैल्यू माइनस में आ रही थी. नंबर ऑफ कैंडिडेट वॉज योर 2, 4, 8, 10, 30, 14, 12, 10, 6 and 4. Yes or no? ये था. और हमको फाइंड करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो बताओ मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 2 + 4 will be 8, 8 + 4 will be 16, 16 + 10 will be सही कह रही हूँ मैं? 2, 4, 36. एक मिनट, तो मैंने कुछ टू फ्रीक्वेंसी, अरे मैंने उल्टा लिख दिया. सी, आई मेड अ मिस्टेक. जो आपको बता रही वही मिस्टेक मैंने कर दी. फर्स्ट इज योर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह से दिया हुआ है ना, उसको हमको कन्वर्ट करना है यू कैन से 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, आपकी टाइपोग्राफिकल एरर्स है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके हो जाएंगे 4 6 10 12 14 30. Then you have 10 के बाद में 8 4 and 2. ठीक है, ये आपके मेंबर्स हैं. उसके बाद में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4 + 6 10, इट विल बी 6. 4 + 6 इट विल बी 10 + 10 20. 20 + 12 इट विल बी योर 32. देन यू हैव 46. 32 और 46, 76. मैंने ऑलरेडी चेक सॉल्व किया हुआ है, जैसे मुझे पता है 94, 98 एंड 100. ये आपके कॉलम्स आ गए. अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ.
अब हम लोग देखेंगे Q1 का फॉर्मूला क्या है आपका n plus 1 upon fourth observation that will be your 100 plus 1 upon fourth observation that will be your 25.25 observation. Let's read it to you. 25.25 observation. अब हम टेबल में देखेंगे तो ये 25.25 lies in your third observation where your cumulative frequency for third observation is 32 और उससे पहले कितनी cumulative frequency it was 20 so it lies your Q1 is your you can say 3 same way हम लोग हाँ और same way हम लोग Q3 find कर लेंगे Q3 find करना आता ही है सबको तो Q3 आपका आ जाएगा 5 Q3 कितना आएगा आपका 5 ठीक है करो फाइंड कि आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं Q3 श्रुति Q3 5 कैसे आएगा आपको पता है यस मैम ठीक है तो आई होप कि एक बच्चे को पूछा था आई विल से तो Q1 और Q1 की वैल्यू आपकी थी Q1 की वैल्यू आपकी 3 थी Q3 की वैल्यू आपकी 5 थी सो आपको फाइंड करना था कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो हमको क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने की मेहनत ही नहीं करनी है तो सीधा सीधा हम लोग फाइंड करते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 दैट विल गिव मी 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 दैट विल गिव मी 0.25 यहां पे सेट अप कर देती हूं दैट विल गिव मी 2 by 8 अब कई बच्चों ने ये 2 by 8 आंसर लिख दिया तो भी वो गलत लेगा आपको उसके आगे और जाना है 2 by 8 को करेंगे तो इट विल बी 0.25 दिस इज द आंसर विच यू हैव टू राइट आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट पूछेंगे कि यू हैव टू राइट उसका आंसर सपोज यहाँ पर जो आंसर है ये तो चलो 0.25 ही आया सीधा इन दिस केस इट वॉज 0.25 सपोज ये आंसर होता 0.25 25 25 तो आप क्या लिखते तो आपका आंसर होता 0.25 क्योंकि पीछे क्या है 5 उसको आगे लेके जाएंगे तो इट विल बी 3 तो 253 तो हमको सिर्फ 2 डिजिट तक लेना है आफ्टर फ्रैक्शन मतलब पॉइंट के बाद में यू हैव टू टेक योर वैल्यू टिल 2 डिजिट सपोज वैल्यू वाज 0.2555 सपोज ये वैल्यू होती फॉर एग्जांपल तो क्या आप लिखते आंसर में 0.26 अगर आपने आंसर 0.2555 लिखा तो भी गूगल विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज देयर इज सर्टन क्राइटेरिया फॉर गूगल फॉर्म्स अगर उसमें मैं दो मार मैं वो स्पीड करूं तो भी हो सकता है पर क्या लाइक कोई बच्चा ऐसा भी लिख सकता है 0.255555 तो मैं कहाँ तक वैल्यू फीड करूंगी सो मेक इट क्लियर फॉर यू एज वेल एज फॉर मी मैंने क्या किया है टिल 2 डिजिट 0.25 This will be your answer. अगर आपने लिखा you will get marks. If you have not written, तो you will not get the marks. उसके साथ में आप अपना PDF भेजोगे जैसे मुझे कशिश ने भेज बोला कि मैंने PDF भेजा है इन केस कि भाई आपका एक टेक्निकल प्रॉब्लम से मार्क्स कटे हैं तो वो मार्क्स हम लोग आपके ऐड कर देंगे फॉर दैट यू विल हैव टू टॉक विद योर टीचर मैंने आपको बोला था कि आपके PDF का टाइमिंग और आपके गूगल फॉर्म के स्टैम्प का टाइमिंग में डिफरेंस होना चाहिए सपोज आपका पीडीएफ है इफ इट इज गिवन टू मी एट 11:05 एंड योर गूगल फॉर्म इट केम टू मी एट 11:10 देन आई विल एक्सेप्ट इट बट अगर आपका पीडीएफ पहले नहीं आया और आपका गूगल फॉर्म पहले आ गया मतलब यू गॉट द आंसर कि भाई मेरा आंसर रॉन्ग है तो आपने फटाफट पीडीएफ चेंज किया और मुझे दूसरा पीडीएफ भेजा गॉट माई पॉइंट दैट इज वाई वी हैव मेड दिस रूल कि भाई पीडीएफ पहले आना चाहिए First, you will submit the PDF to the teacher. Second, you will submit the form. अब दूसरा प्रॉब्लम एक बच्चों का बहुत सारा आया था कि मैम नेटवर्क इश्यू है तो ये जो पेपर था इट वॉज ऑफ 20 marks का ये पेपर था एंड दिस पेपर विल कॉस्ट यू कैन से हाफ एन आवर आधा घंटा मैंने लिंक खोली थी 11 बजे और मैंने बोला था आई विल क्लोज एट 11:45 बट स्टिल एज आई थॉट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा किए और मैंने 12 बजे लिंक को क्लोज किया था आई क्लोज द लिंक यानी आपको पूरा एक घंटा मिला था
अगर नेटवर्क का इश्यू है तो पहले से आप ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क का इश्यू ना हो, कोई ऐसा कमरा जहाँ पर नेटवर्क का इश्यू ना हो, कोई ऐसा प्लेस या फिर कोई ऐसा मोबाइल जिसमें नेटवर्क का इश्यू ना हो, पहले वो मोबाइल ले लीजिए और फिर अपना टेस्ट लीजिए, ठीक है। दैट विल बिकम ईजी फॉर यू एज वेल एज फॉर मी टू मेक द एक्सेस। आई इन्फॉर्म अबाउट द टेस्ट वन डे बिफोर, ठीक है। अब आप मंदिर जा रहे हो या फिर आप क्या बोलते हो ना, आपके कोई भी इश्यूज है उसको के लिए मैं एग्जाम में, सपोज हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे एबसेंट होते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी मार्क देम एबसेंट। अगर आप उस दिन गूगल फॉर्म पे एग्जाम नहीं देते हो तो यू विल बी मार्क्ड एबसेंट फॉर दैट एग्जाम, आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप स्कूल में नहीं आए हो एग्जाम देने तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट, नॉट एन इशू। नेक्स्ट टाइम ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप लोग ऑनलाइन टीचिंग में हैं, मतलब ये नहीं है कि आप वेकेशन पे हैं। अगर टेस्ट है तो यू हैव टू बी रिमेन प्रेजेंट। आपके पास ये ऑप्शन है, आप कहीं पर भी हो आप टेस्ट दे सकते हो। आप आउट ऑफ स्टेशन भी हो तो मोबाइल है आपके पास, आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। कीप ऑलवेज कीप योर कैलकुलेटर विद यू, नथिंग एल्स यू वुड नीड दैट। एक कैलकुलेटर, एक बुक और एक यू कैन से उससे आप अपना टेस्ट कहीं पर भी दे सकते हो। इवन इफ यू आर इन अ हॉस्पिटल यू कैन गिव टेस्ट। कई बच्चों ने बोला कि हम लोग कोई ड्यू टू सम रीजन हमारी फैमिली मेंबर्स हैं तो मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो हॉस्पिटल में भी बैठ के तू टेस्ट दे सकता है बेटा अगर तू चाहे तो। इट इज़ ऑल अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू डू। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। थिंग्स आर क्वाइट फ्लेक्सिबल नाउअडेज। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन। देन योर क्वेश्चन नंबर टू वॉज, लेट मी चेक, कौन सा था क्वेश्चन नंबर टू, क्या था? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? किसी को याद है क्वेश्चन नंबर? मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का था। लेट मी चेक। क्वेश्चन वन ये ले गया था मैंने और क्वेश्चन ये फोर्थ है। देन वी हैव वन क्वेश्चन नंबर टू। यस, क्वेश्चन नंबर टू में था मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस, है ना? वो वाला क्वेश्चन था ना? यस मैम, है ना? ये वाला क्वेश्चन था। यस मैम। ओके, तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। योर मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस वाज 220। एक सेकेंड, 220, इट वाज 225, 190, 220, 245, 270, 180, 250, 300, 175 and 265, ठीक है। इसका टोटल कितना था? किसी ने किया हुआ है नोटबुक में चेक करो। इट वॉज 2320, यस और नो? चेक कर लो। हाँ, तो मीन वॉज योर सिग्मा एक्स आई अपॉन एक्स अपॉन एन, दैट वॉज 2320 डिवाइड बाई टेन, दैट वॉज 232, ठीक है। तो ये 232 आ गया। अब हम उसमें से फाइंड करेंगे एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। एक्स दैट वॉज योर इट वुड बी योर एक्स माइनस एक्स बार, that would be your 225, it would be minus 7, minus 42, minus 12, plus 13, then plus, you can say 38, plus 52, plus 8, minus 52, then it would be 18, 68, minus 57, 33, that will give you, इनका सबका जब टोटल करेंगे ऑलवेज इट शुड कम जीरो। अगर ये जीरो नहीं आता है एक्स माइनस एक्स बार, देन यू मेड अ मिस्टेक। अब हम लोग फाइंड करेंगे एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 7 7 जा इट वॉज 49, 42 का स्क्वायर होगा 1764, और देन यू हैव 12 का स्क्वायर 144, देन वी हैड 169, 1444, 2704, 324, 46, मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। जस्ट आप लोगों को देने से पहले मैंने सॉल्व किया था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 1089 कहीं कोई भी वैल्यू गलत ना हो जाए। इट वॉज योर 15,560, इज इट? ओ ठीक है। अब हम लोग को वैल्यू x माइनस एक्स बार की वैल्यू मिल गई, तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन में पुट करनी थी।
So standard deviation mein when we will put the value, so it will be root of sigma x minus x bar divide all this to square divide by n. That will be a 15,560 divide by 10. Kitna aa raha hai batao? 1556. Uska root nikalo. Uska root nikalo. 39.44 आगे कैलकुलेटर पे करो 39.4461 एग्जैक्टली तो इट वाज 4461 सो व्हाट यू विल राइट इज 39.45 दैट इज योर फाइनल आंसर अगर आपने 44 भी लिखा ना तो यू विल नॉट गेट मार्क्स यू विल गेट 0 आउट ऑफ 5 सब कुछ किया पर 5 में से 0 तो ये चीज का आपको खाली ध्यान रखना है कि आपको वैल्यू किस तरह से पुट करनी है दिस इज व्हाट और उसके पीछे यूनिट्स और ये सब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है इन सम केसेस इट इज नीडेड बट आई डिडंट वांट स्टूडेंट्स टू गेट कंफ्यूज एंड लूज मार्क्स क्योंकि कई बार क्या होता है इवन इफ यू यूज कैपिटल इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर्स और यू विल यूज अगर मैंने क्वेश्चन में स्मॉल लेटर रखा और आपने कैपिटल यूज किया अगर मैंने कैपिटल यूज किया आपने हेलो 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 तो यहाँ पर 39.45 रुपीज होता है ना बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट डाउन रुपीज हियर क्योंकि सपोज आपने रुपीज की जगह पे आर एस लिखा और डॉट किया कोई लिखेगा आर एस कोई लिखेगा आर यू पी डबल ई एस सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज दैट द स्टूडेंट्स विल राइट द वैल्यू इसीलिए मैंने मुझे सिर्फ 39.45 ही लिखना है एग्जाम में आपको लिखना है रुपीज बट यहाँ पर रुपीज आप पूरी स्पेलिंग लिखो आर एस लिखो स्मॉल आर एस लिखो या फिर रुपीज का वो जो साइन है वो बनाओ डॉलर का साइन बनाओ इट डजंट मैटर बट हियर इट वुड मैटर दैट इज व्हाई यू हैव टू जस्ट राइट 39.45 इन योर एग्जामिनेशन क्लियर दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2 Next will be our question number 3. It was a combined, I think, combined standard deviation. Ma'am, coefficient of standard deviation. कौन सा? Ma'am, second वाला question अधूरा है. Coefficient of standard deviation लिखना है हमको. अच्छा, coefficient of standard deviation find करना था. Okay, मैंने तो वो बंद किया. Yes, ma'am. एक second. Coefficient तो हमने फालतू में find किया. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो इट वाज एस अपॉन एक्स अच्छा तो 39 पॉइंट जो भी था आपका 44 वो ही ले सकते हो आप उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है दैट वुड गिव यू 39.4 जो भी था 39.45 डिवाइड बाय एक्स पर की वैल्यू कितना थी 232 दैट विल गिव यू हाउ मच मैम 0.17 इट विल गिव यू आगे कुछ नहीं है No. Okay. So perfect. 0.17. So this will be your answer. Okay. So this was your answer for question number 2. अच्छा किसी बच्चे ने मैं ऐसे 0.170043 आ रहा था तो वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती हाँ जीरो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती 0043 अगर सपोज ये 0.178 होता तो वो क्या हो जाता 0.18 ठीक है जीरो वन टू फोर 0 to 4 की कोई वैल्यू नहीं है उसके बाद की जो वैल्यू है यू हैव टू ऐड इट एंड दैट यू विल राइट इट योर फाइनल आंसर ओके दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 देन योर क्वेश्चन नंबर 3 वाज अबाउट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसका आंसर आ रहा था 5.06 यस है ना सबका आ गया था 5.06 यस मैम किसी को yes, कोई डाउट है इन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करूं आपके लिए फाइन सो वी विल नॉट सॉल्व चलेगा आ गया था आंसर है ना तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट इन योर एग्जामिनेशन तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन स्टेप्स में बता रही हूँ आपको फर्स्ट सॉल्व द क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखो अच्छा एक बच्चे ने क्या किया था पूरा पेपर चेक करने बैठ गया था फर्स्ट क्वेश्चन देखा फिर सेकंड क्वेश्चन किया थर्ड क्वेश्चन किया फोर्थ क्वेश्चन किया और उसने सबमिट कर लिया एंड ही गॉट 0 विद इन 5 मिनट्स मैंने पेपर दिया 11 बजे 11:05 पे उसका रिप्लाई आ गया 0 मार्क्स मैंने बोला भाई कर क्या रहा है मैंने चेक किया है तुझे चेक करने की जरूरत नहीं है
तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन, देन यू हैव टू कन्वर्ट योर वैल्यू पॉइंट के बाद में, अगर पॉइंट में वैल्यू हो तो टू डिजिट तक, फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट तक उसको कन्वर्ट करनी है, एंड देन यू हैव टू पुट इन योर आंसर. दिस इज योर स्टेप वन. देन ये कंप्लीट हो जाए, देन यू विल मूव टू योर क्वेश्चन नंबर टू. अगेन फॉर क्वेश्चन नंबर टू योर स्टेप इज, योर स्टेप वन इज सॉल्व द क्वेश्चन. अगेन कन्वर्ट द वैल्यू, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसको कन्वर्ट करो और वैल्यू को आंसर के कॉलम में लिखो. सब जब आपके क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 जब आपके हो जाए और जब सबमिट का बटन आए, व्हेन यू गेट द सबमिट बटन, तो सबमिट करने से पहले आप अपना पीडीएफ सेंड कर दो टू द टीचर. ठीक है कि भाई पहले आप पीडीएफ सेंड कर दो, उसके बाद में, अच्छा उसके लिए भी मैं ऑप्शन दूंगी कि हो सके तो दो, अगर घर में दो क्या बोलते हैं ना भाई वो टूल्स है, मतलब दो मोबाइल तो होते ही ना, कभी मम्मी का होता है पापा का होता है, तो खुद के मोबाइल से आप पीडीएफ बना लो और पापा के मोबाइल से आप एग्जाम दे दो. ठीक है, और आप जो भी डिटेल्स उसमें भरोगे दैट इज इट विल बी इजी फॉर यू. अगर पॉसिबल है, इफ यू हैव टू मोबाइल्स, तो एक मोबाइल से फटाफट पीडीएफ बना के भेज दो और सेकेंड मोबाइल से आप अटेम्प्ट करो. पहले पीडीएफ भेज दिया, फिर वो उसको सबमिट कर दो. ये पीडीएफ पहले भेजने का रीजन ये है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई कि भाई मेरा क्वेश्चन राइट था पर मेरा ये कोई प्रॉब्लम की वजह से, गूगल फॉर्म की प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको क्लियर करने के लिए वी विल नीड योर पीडीएफ. अदरवाइज आई डोंट नीड टू चेक योर पीडीएफ. मैं पीडीएफ नहीं चेक करूंगी, आई विल जस्ट सी योर गूगल फॉर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड दैट minute stop share screen. As you can see मैंने आप लोगों को WhatsApp किया था 11th A में. अब बच्चों ने कहाँ गलती की. सी ये जैसे फॉर एग्जाम्पल देव है, मैंने सुबह भी बोला था, देव ने क्या किया है, यहाँ पर क्यू डी की वैल्यू और कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से लिखा है, तो ही डिड नॉट गेट मार्क्स. अगर मैं 20 out of 20 वाले बच्चे की बात करूँ, तो कोई है जैसे मुंद्रा प्रियांशु, ही गॉट 20 out of 20, वेरी गुड प्रियांशु, तो उसने एक सीधा सीधा लिखा है, उसने समझ लिया मैंने क्या बोला, उसने समझा 25.17, 5.06, 0.23. इस तरह से अगर वो वैल्यू रखता है तो गूगल विल एक्सेप्ट द वैल्यू. बट अगर आप जैसे यहाँ पर इसने लिखी है -1/4, सबसे पहले तो इसने क्या किया है, -1/4 क्यों इसकी वैल्यू आई, क्योंकि उसने 987 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कन्वर्ट नहीं किया, इसके लिए इसकी वैल्यू माइनस में आई, उसकी वजह से शी लॉस्ट और ही और शी हूसोएवर इज देयर द चाइल्ड लॉस्ट द मार्क्स. उसके अलावा शी हैड डन वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये जो बच्चा है इसने क्या किया है, N1 की वैल्यू 60 है, ये सब मैंने पूछा ही नहीं. फर्स्ट सी वॉट इज आस्क इन द क्वेश्चन, वो ही लिखना है. उसके अलावा यू शुड नॉट यूज दिस क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू ये है, क्योंकि कोई लिखेगा कोई नहीं लिखेगा, तो जो नहीं लिखेगा इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी. सो फॉर दैट आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू यूज दिस काइंड ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू ये है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, कुछ नहीं लिखना है, यू हैव टू जस्ट राइट द वैल्यू. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन में जिसने -0.25 लिखा है, दैट चाइल्ड ऑल्सो लॉस्ट द मार्क्स बिकॉज आंसर इज 0.25. अगर किसी ने 2/8 भी लिखा है, बाई चांस किसी ने लिखा था ना, यहाँ पे ये लिखा, ये था 1/4, -1/4 लिखा था, ये दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये अगर इस तरह से आप लिखोगे तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स. ठीक है, अब ये क्या किया इसने पता ही नहीं, ये भाई साहब तो कौन ही है. राठौर दिग्विजय, ही गॉट 0, बट ही माइट हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर वेरी वेल. उसका फिर राठौर दिग्विजय जो है कौन सी क्लास में है, आई डोंट नो, ही इज इन 11C. आप अपना पीडीएफ अर्चना मैम को भेजना, अर्चना मैम चेक करेंगे और वो बताएंगे कि भाई वो सही है या नहीं है. ठीक है, सो दिस इज द मिस्टेक्स विच स्टूडेंट्स मेड. और ये टाइम स्टैम्प दिख रहा है आपको, 12 तारीख को 11:05 पे आपका फॉर एग्जाम्पल पेपर सबमिट हुआ.
तो आपका जो पीडीएफ है वो 11 बजे सबमिट हो और पेपर 5 मिनट बाद सबमिट हो तो वी विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट इट. दैट्स इट. दिस विल बी समथिंग व्हिच विल बी नीडेड एट द टाइम ऑफ एनी प्रॉब्लम. जैसे कशिश का प्रॉब्लम है कि भाई उसने आंसर लिखा था बट थोड़ा उसने कहीं कुछ गलती की है. कशिश का देख लेते हैं. कशिश ये रहा. यस, कशिश ने क्या गलती की थी? ये क्वार्टाइल डेविएशन लिखा है शायद उसने, कोएफिशिएंट लिखा है, कंबाइंड लिखा है, मीन लिखा है. तो दिस यू शुड नॉट डू. ठीक है मैम तो कोएफिशिएंट लिख के मैम वैल्यू नहीं लिखती मैम. ओनली वैल्यू. देखो जिसके भी 20 आउट ऑफ 20 है ना, आप लोगों ने जो मैंने आपको ये जो एक्सेल शीट भेजी है उसमें आप देखना 20 आउट ऑफ 20 किस बच्चे के आए हैं जिसने सिर्फ वैल्यू लिखी है. और ये मैंने मीटिंग में बोला था. आई टोल्ड द स्टूडेंट्स इन द मीटिंग कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी है. मैंने पहले से बच्चों को मीटिंग में एक्सप्लेन किया था कि भाई वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखनी है. बट कई बच्चे समझे, कई बच्चे नहीं समझे. कोई बात नहीं. नेक्स्ट टाइम जब हम टेस्ट लेंगे, अभी हमारा चैप्टर खत्म हो गया. नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑन स्क्यूनेस. ठीक है, जब हम स्क्यूनेस शुरू करेंगे उसके बाद जब हम उसका टेस्ट लेंगे उसमें ऐसी गलती ना हो, ये कोशिश करना. ठीक है, तो दैट विल जस्ट बूस्ट योर मोरल. इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके मार्क्स नहीं आए वो गलत है. ठीक है, उसको एग्जाम कैसे देनी है वो नहीं समझना है. दैट्स इट. नो वन वॉज रॉन्ग. पेपर इतना ईजी पीजी था, इतना ईजी पीजी था कि कोई फेल हो ही नहीं सकता. ठीक है, इतना इजी पेपर बनाया था मैंने. कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था. सीधा सीधा वैल्यू रखो, सीधा सीधा मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को मेरे को ढूंढ ढूंढ के सबसे इजी क्वेश्चन मैंने इसके लिए निकाले थे. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट. अब स्क्यूनेस आज हम लोग स्टार्ट करने का सोच रही थी पर मुझे लग रहा है बहुत कम स्टूडेंट्स है अभी, तो वी विल स्टार्ट योर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वाला जो चैप्टर है वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. Tomorrow I will have lecture at morning 8:30 पे हम लेक्चर लेंगे. ठीक है, ओके. सो मैम अब ये टेस्ट में जो मार्क्स कम आया उसका क्या होगा? Don't worry, this is for your understanding. We are just seeking the understanding of the kids. We won't add this marks. जब add, हम लोग ऐसा करेंगे कि इस marks के, इस test के marks हम लोग add नहीं करेंगे. मैं sir से बात कर लूँगी कि भाई इसके marks हम लोग add नहीं करेंगे. Thank you. Okay. So don't worry about that कि भाई मेरे marks कम आएंगे. But हाँ, future में आप थोड़ा ध्यान. Yes, ma'am. समझ में आ गया ना कैसे paper लिखते हैं? इसका एक मैं वीडियो भी बना दूंगी, तो वीडियो तो बन ही जाता है, तो वो करके एंड देन वी विल फाइंड आउट कि भाई जो भी बच्चे आज नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ एक्चुअली व्हाट हैपेंड ना मॉर्निंग माय कंप्यूटर वाज नॉट एक्सेप्टिंग माय कमांड्स. मैंने कितना कमांड किया कि बच्चों को बोलने दो पर वो तो बोले नहीं आज तो मैं ही बोलूँगा, कोई नहीं बोल सकता. फिर मैंने बोला आज तो सब सुबह सुबह गड़बड़ हो गई. मैम हमको एक दूसरे की आवाज आ रही थी बट आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी. अरे मैं मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, कितना इश्यू हो गया, मोबाइल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. एक्चुअली व्हाट आई डू इज आई यूज माय मोबाइल. सी अभी यहाँ पे आ रहा है तो अब मैं लिखने के लिए आई यूज माय मोबाइल एंड फॉर स्पीकिंग आई यूज माय लैपटॉप. मैं दोनों यूज करती हूँ. ठीक है, यस मैम. देखो मैं आपको दिखाती हूँ. See, you can see two me, एक मोना शर्मा है एंड एक मोना शर्मा. तो ये मेरा मोबाइल भी कनेक्ट नहीं कर रहा है. उसको क्या होता है, मुझे एडमिन बनाना पड़ता है. आई हैव टू मेक माई मोबाइल एडमिन. ये मेरे मोबाइल को एडमिन नहीं बनाने दे रहा है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. मैंने बोला भाई आज तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, मैं छोड़ दिया. फिर मैंने एक बार फिर से ट्राई करते हैं. फिर 11th की भी ऐसा हुआ, 12th का भी ऐसा ही हुआ. इसके बाद 12th का मीटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम हुई. फिर मैंने फिर से सारे सेटिंग किए, चेंजेस किए, फिर उसके बाद में अब हुआ है. ठीक है, तो समटाइम इट हैपेंस. कई बार हो जाता है. ठीक है, मशीन है, कई बार नहीं मानता हमारी बात. ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर लेक्चर टुडे. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद टुडेस. ऑल ऑफ यू जस्ट ओपन योर कैमराज नाउ सो आई कैन सी. सब सो तो नहीं रहे. तो सबको समझ में आ गया ना कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है? कोई डाउट नहीं ना? ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर मीटिंग.
And tomorrow we will meet. Let me just check with other teachers what time they have taken. After that, we will meet tomorrow. Okay. Goodbye, students. Goodbye for now.